अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि नर्वस सिस्टम एक वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये इसका थर्ड पार्ट है। तो अब जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स में कंपोज होती है। नर्व्स जो होती हैं हमारे क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो पहले हम नर्व्स का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। नर्व्स के स्ट्रक्चर में हमारे पास पहला जो पॉइंट आता है वो है इसको, जो कि इसकी लेयर होती है फेसिकुलस। नर्व जो होता है, पहले जो एक नर्व होती है उसकी जो कवरिंग होती है, जो आप स्ट्रक्चर में देख लो, ये एक पूरा नर्व है, उसको जो कवर किया है उसको हम फेसिकुलस कहेंगे। जो इसके अंदर जो ये छोटे छोटे हमारे पास पड़े हुए नर्व फाइबर्स, इनमें नर्व्स वाई, ये पूरी एक नर्व है, उसके अंदर हमारे पास नर्व फाइबर पड़े हैं। अब नर्व फाइबर की कवरिंग को हम इंडो न्यूरम कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूरो एक्जोन, उसके अंदर पड़ा होता है। उसके बाद हमारे पास जो नर्व फाइब नर्व जो है, जितनी एक नर्व बंडल में पड़ी हुई है सारी नर्व्स को, उसको उसकी जो कवरिंग है उसको हम कहेंगे, एक नर्व फाइबर जो कंपोज है उसको हम पेरिन्यूरम कहेंगे, और जितनी भी नर्व्स पड़ी हुई है एक कलेक्शन में उसकी जो कवरिंग है उसको हम एपिन्यूरम कहेंगे। अब हम आ जाते हैं स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स पर। हमारे पास स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं उनके 31 पेयर्स होते हैं, और जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं उनमें हमारे पास 12 पेयर्स आ जाते हैं। पहले मैं आपको स्पाइनल नर्व्स के बारे में बता देती हूँ। स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं, जैसे मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड में बताती हूँ, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही होती हैं उसको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें जो पहला रीजन होता है वो हमेशा हमारे पास सर्वाइकल का होता है। सर्वाइकल, जो सर्वाइकल रीजन से नर्व्स निकल रही हैं उनको हम सर्वाइकल नर्व्स कहेंगे, जो कि 8 होती हैं। फिर हमारे पास थोरेसिक रीजन आ जाता है, जिसमें से हमारे पास थोरेसिक नर्व्स निकल रही होती हैं, जिनको हम जिन जो होती हैं 12। फिर हमारे पास लंबर पार्ट आ जाता है, लंबर पार्ट में से जो नर्व्स निकल रही हैं उनको लंबर नर्व्स कहेंगे, और ये हमारे पास होती हैं 5। फिर हमारे पास सैक्रल रीजन आ जाता है, सैक्रल रीजन में जो सैक्रल नर्व्स रीजन से नर्व्स निकल रही हैं उनको सैक्रल नर्व्स कहेंगे, ये भी हमारे पास 5 आ जाते हैं। और जो हमारे पास कॉक्सीजल से निकल रही हैं उनको हम कॉक्सीजल नर्व्स कहेंगे, और इसका 1 होता है। ये टोटल मिला के हमारे पास 31 पेयर्स बन रही हैं। अब हर साइड से हमारे पास नर्व इधर से भी एक इंटीरियर निकल रही है, एक पोस्टीरियर निकल रही है। अब जो हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो वेंट्रल होता है हम उसको इंटीरियर कहते हैं, और जो हमारे पास डॉर्सल होता है हम उसको पोस्टीरियर कहते हैं। जो हमारे पास इंटीरियर साइड पर नर्व्स होंगी वो मोटर होंगी, और जो हमारे पास पोस्टीरियर डोर्सल साइड पे होंगी वो सेंसरी होंगी। तो जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो आगे फ्रंट इंटीरियर साइड है वो मोटर है, और जो हमारे पास पोस्टीरियर ह्यूमन बॉडी की पोस्टीरियर साइड है वो सेंसरी है। अब हम क्रेनियल नर्व्स की तरफ चलते हैं। क्रेनियल नर्व्स जैसे कि आपको पता है 12 पेयर्स होते हैं इनके, और इनमें मैंने आपके लिए एक निमोनिक्स तैयार किया है, जो कि आई होप आपको समझ आए। और ये हम इस तरह इसका निमोनिक्स लिखेंगे, पहले आप 3 O लिखें और फिर T ऑट, फिर हम लिखेंगे FV लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे गावा GVAH। अब इसमें इससे आपको याद करने में आसानी होगी, जो हमारे पास ये हमारे पास 12 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। O से हमारे पास पहले होगी ऑल्फैक्ट्री, फिर हमारे पास होगी ऑप्टिक, फिर हमारे पास होगी ओक्लियो, फिर हमारे पास होगी टी से ट्रोक्लियर, फिर हमारे पास होगी ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबो कॉक्लियर, वी से हमारे पास वेस्टिबो कॉक्लियर, VESTEBULOC
OCHLEAR, वेस्टिबुलर कॉकलियर, और जी से हमारे पास आ जाएगी ग्लोसोफ्रिंजियल, और जो वी से हमारे पास आ जाएगी वेगस, और ए से हमारे पास आ जाएगी एसेसरी और हाइपोग्लोसल एच से आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स आ गई। अब ऑप्टिक ऑल्फैक्ट्री ऑप्टिक और ऑक्यूमेट्री में कैसे आपको पता चलेगा कि पहले ऑल्फैक्ट्री है, क्योंकि जैसे ही अब अपनी पहले हमारा जो है नोज जो है ऑल्फैक्ट्री हमारे सेंसरी स्मेल को सेंस करती है, तो अब जो हम पहले ही हमारी जो नोज़ है वो जैसे हम हाथ लगाएंगे हमारे नोज़ पे हाथ लगेगा, तो पहली जो चीज़ पे हाथ लगेगा वो ऑल्फैक्ट्री है जो हमारे पास स्मेल करती है, तो ऑल्फैक्ट्री पहले आएगा फिर उसके ऊपर हमारा ऑप्टिक आएगा। ये दोनों चीज़ें पहले ऑप्टिक ऑल्फैक्ट्री फिर ऑप्टिक, उसके बाद ऑक्यूलोमोटर बचा है तो आप थर्ड पे ऑक्यूलोमोटर लिख देंगे। फिर हमारे चॉकलियर, ड्राई जर्मिनल, एब्ड्यूसन, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉकलियर, ग्लोसोफ्रिंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लोसल। ये पेपर में और वाइवा में पूछते हैं तो मोस्टली आप लोग को इस तरह याद रहेगा अगर आप एक माइंड में इसको बना लोगे। थैंक यू सो मच अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी।